देश के लिए दुश्मनों से लड़ा वो। दुश्मनों ने उसके सीने में एक नहीं बल्कि दागी 9 गोलियां, लेकिन बुलंद हौसलों के साथ उसने जीती जिंदगी की जंग। व्हीलचेयर पर बैठा ये शख्स वो जवान है जिसने अपने सीने में एक नहीं बल्कि 9 गोलियां खाई हैं। करीब 2 महीनों तक नींद में रहने के बाद सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन कुमार चीता ने आज एक नई जिंदगी में कदम रखा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा एनकाउंटर में आतंकियों ने चीता पर 30 गोलियां दागी, जिनमें 9 गोलियां उन्हें लगी थी। शरीर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह से फ्रैक्चर था और दाईं आंख पूरी तरह से जख्मी थी, जिसके चलते कमांडेंट चीता को तुरंत एम्स में भर्ती कराया गया और फिर वे कोमा में चले गए। भले ही कमांडेंट चीता नींद में थे, लेकिन उन्होंने मौत के सामने घुटने नहीं टेके। डॉक्टरों के निरीक्षण में कमांडेंट चीता की हालत में सुधार आने लगा और वो कोमा से बाहर आ गए। लंबे वक्त से चल रहे इलाज में कमांडेंट चीता को अपनी एक आंख भी गंवानी पड़ी, लेकिन उनके बुलंद इरादों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। कमांडेंट चीता से मिलने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कमांडेंट चीता बहुत जल्द ठीक हो रहे हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। राजस्थान के रहने वाले कमांडेंट चीता अस्पताल से आज डिस्चार्ज हो गए हैं। जिस तरह से कमांडेंट चीता ने मौत को हराकर जिंदगी को जीता है, उससे साफ है कि अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो किसी भी जंग को आसानी से जीता जा सकता है, चाहे वो मैदानी जंग हो या फिर जिंदगी और मौत की जंग। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।